नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो चलिए सबसे पहले आज मार्केट में रुख क्या रहा ये हम आपको बताएंगे और निवेशकों को आगे मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मॉर्गन स्टेनले के रुचित शर्मा का कहना है कि फेडरल रिजर्व के रेट नहीं बढ़ाने से दुनिया के बाजारों में तेजी आई। अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो बाजारों पर दबाव बढ़ेगा। फेडरल रिजर्व ने यूएस में बोल रखा है दैट दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन सच अ वीक ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसलिए इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लिक्विडिटी काफी है और इसलिए मार्केट काफी ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे ये मार्केट थोड़े स्टेडिली ऊपर जा सकते हैं। पर अगर फेड ने वापस बोलना शुरू करा कि अब इकोनॉमी स्टेबल है ग्लोबली और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने हैं तो फिर मार्केट्स के लिए ये काफी क्वाइट डेंजरस फॉर द मार्केट। अभी क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ी चाइनीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस और बहुत सारी स्पेंडिंग करा है पिछले 3 महीने में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को। जब वो स्टिमुलस हटेगा अगले 3-6 महीने में तो मुझे लगता है फिर से डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट्स में अभी। जो इंडिया की स्टोरी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, मैं अभी अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों से मिल के आया हूँ अमेरिका और कनाडा में, और उनकी जो इंडिया की स्टोरी पे जो उनका भरोसा है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो अभी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्लोबल की सिचुएशन है, ग्लोबल काफ़ी स्लो डाउन है लेकिन उसमें इंडिया बहुत अच्छा दिखता है। आई थिंक आने वाले अक्टूबर के बाद मार्केट अच्छा रहना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छी रहेगी। इस वक्त तो ये व्यू है कि मार्केट इस वक्त लिक्विडिटी के जोर शोर पे अच्छा है और जो एक लेवल्स टूटते हैं उसको ऑनर करना चाहिए। और इस दृष्टि से अब लगता है कि मार्केट नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है और एक बार 8,450 और उसके बाद में 8,550 ये लेवल्स आते हुए दिखते हैं। तो हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं हॉट स्टॉक्स में। विवेक, वेलकम टू हॉट स्टॉक्स। आज मार्केट में जिस तरीके का कारोबार हुआ, आगे क्या स्ट्रैटेजी उस लिहाज से निवेशकों के लिए रहनी चाहिए? गुड इवनिंग शिल्पा। 8,300 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत था कल, और आज भी हमने देखा कि निफ्टी काफ़ी अच्छे तरह से ऊपर सस्टेन कर रहा था। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। ओवरऑल 8,500 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। कोई भी डिप मिले तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की, स्पेशली 8,300 से लेकर 8,310 के रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो 8,240 के स्टॉप लॉस साथ बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 8,500 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। जी विवेक, और आने वाले दिनों के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स मार्केट पर ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं? जी, अभी मैं ओवरऑल सेक्टर्स देखूं तो सब तेज़ लग रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक में बात करूं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि ओएनजीसी फाइनली अपना 225 का लेवल तोड़ के आज भी हमने देखा कि एक अच्छी तेज़ी आई। मुझे लगता है 249 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ओएनजीसी और इससे रिलेटेड सेक्टर्स पर अगर नज़र रखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिवर्सल मिल सकता है और अगले 2 से 3 महीने तक भी हो सकता है कि इन स्टॉक्स में तेज़ी बरकरार रहे। जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपसे कुछ देर बाद साक्षी हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ेंगी, मुनाफे की 5 कॉल्स आपको बताएंगी और आज किन शेयर्स में हलचल रही है, कौन से शेयर्स आपको मुनाफा दे सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले L&T इन्फोटेक के IPO की बात करते हैं। 11 जुलाई को खुलकर 13 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए तय किया। रिटेल निवेशकों को IPO में 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी 10% हिस्सा बेचने के लिए 1,75,00,000 शेयर जारी करेगी और इसके जरिए 1,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने कहा कि उसका यूके में कोई एक्सपोजर नहीं है। IPO के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94% से घटकर 84% रह जाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी कि ESOP जारी करने के बाद मोटर्स की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी और घटकर 81% रह जाएगी। L&T इन्फोटेक का कहना है कि उसके पास फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 49 ग्राहक हैं। 2015-2016 में कंपनी का मुनाफा 922 करोड़ रुपए रहा था। तो निशान तिवारी है कॉलर इस वक्त उदयपुर से हमारे साथ। जी निशान, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। जी
मैम मैं बॉस का मेरे पास में 7 शेयर है एट द रेट ऑफ 21,127। 7 शेयर्स आपने खरीदे हैं 21,127 रुपए पर? जी मैम। और कब ये आपने शेयर्स खरीदे थे? मैम काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम पुराना शेयर है, 8.5 साल हो गए जी। और स्ट्रेटेजी क्या रखी हुई है इन शेयर्स को लेकर आपने? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है मैम। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। बहरहाल जो खरीद भाव था आज क्लोजिंग जो इस शेयर की हुई है उससे तो काफी ज्यादा हुई है, फिलहाल प्रॉफिट में हैं आप। विवेक, इनको लॉन्ग टर्म का नजरिया है इन शेयर्स के लिए? 7 शेयर्स हैं 2000 के करीब, और आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इन शेयर्स के लिए क्या ठीक रहेगी? डेफिनेटली बॉर्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट में इसने एक राइजिंग फ्लैग फॉर्मेशन बना के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, 22,230 के ऊपर इसका ट्रेड होना एक बहुत ही बुलिश कंफर्मेशन है, तो डेफिनेटली इन्हें होल्ड करना चाहिए। 21,740 के एक रिवाइज स्टॉप के साथ ये अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 23,500 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 25,000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए एक और राहुल कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त एसएमएस के जरिए दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है सीतामढ़ी से। श्री रेणुका शुगर के शेयर्स उन्होंने लिए, 100 शेयर्स लिए थे उन्होंने 18.85 रुपए पे। विवेक लॉन्ग टर्म नज़रिया इन्होंने इन शेयर्स के लिए रखा हुआ है, और इस वक्त विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है उनसे ही जान लेते हैं। जी राहुल बताइए, आपने श्री रेणुका शुगर शेयर्स के बारे में सवाल किया था, क्या स्ट्रैटेजी रखी हुई है इनके लिए? एक्चुअली हमने पूछा था आपसे। जी जी, आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखा हुआ रेणुका शुगर हमने 18.85 में खरीदा है 100। जी जी, अभी लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा हुआ है आपने इसके लिए या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का नजरिया रखा हुआ है। विवेक क्या राय देंगे इन्हें, शॉर्ट टर्म का नजरिया रखा है इन शेयर्स के लिए? देखिए 2011 से जो गिरावट देखने को मिली थी रेणुका शुगर्स में, उसके बाद इसने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल बना के फाइनली एक ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। मुझे लगता है इन्हें शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं रख के अगले 2 महीने तक का अगर ये नज़रिया रखें तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है, और रेणुका शुगर्स 25 रुपीज़ तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें और 2 महीने का नज़रिया ज़रूर रखें। और एक और कॉलर हैं इस वक्त संजीव बंसल आगरा से हमारे साथ। संजीव कौन से शेयर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं? जी क्या सवाल है? लोवर लिंगरी क्या इसका फ्यूचर है, क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या है? आपकी जी न्यूज में आया था लोवर लिंगरी लेने के लिए, कितने शेयर्स? जी जी मिस्टर ढाई शेयर है मिस्टर लोवर लिंगरी के 275 रेट के। जी, और लॉन्ग टर्म नजरिया है इसके लिए? हाँ लॉन्ग टर्म है, काफी टाइम तक मैं रखे हुए हैं इसको, ऑलरेडी काफी टाइम से रखे हुए हैं। जी, तो काफी समय से इनको रखा हुआ है आपने, अभी इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? क्योंकि विवेक हम देख पा रहे हैं 275 खरीद भाव था, आज क्लोजिंग जो हुई है 270.65 रुपए पर हुई है, तो फिलहाल तो लॉस में है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए विवेक? एक पॉजिटिव चीज़ जो इसमें देखने को आ रही है, पिछले 8 महीने से इसने एक डाउन स्लोपिंग वेज पैटर्न बनाया था, इसके ऊपर इसने 250 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और जिसका टारगेट 310 तक आ रहा है। मुझे लगता है लवेबल रिंग भी थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर फिर से एक अच्छा अपमूव दिखाएगा, 280 का लेवल क्रॉस होता है तो 310 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें 310 के टारगेट के लिए, प्रॉब्ली 15 से लेकर 30 डेज में इनका ये टारगेट हो सकता है। और सुमित है इस वक्त नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राजस्थान से। जी सुमित, कौन से शेयर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं? तो चलिए सुमित से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारे साथ बने हुए थे इससे पहले फोन लाइन पर, और एसएमएस भी इन्होंने भेजा है। विवेक द्वारी के शुगर के शेयर्स इन्होंने लिए थे 250 शेयर्स 280 रुपए पर, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी उन्होंने इसके लिए रखी हुई है, और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग जो हुई है 263.50 रुपए पे हुई है, 280 का खरीद भाव था, तो लॉस देख पा रहे हैं हम यहाँ, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या ठीक रहेगी?
मुझे लगता है इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। 210 से लेकर 280 का जो ऑलमोस्ट डीप प्राइस आया था उसके बाद ये एक फ्लैग एंड पेरेंट फॉर्मेशन बना रहा है जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन है। अगर 280 का लेवल अब क्रॉस होता है तो ऊपर में 320 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। नीचे में 245 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें 320 के टारगेट के लिए। जी, और आपको बता दें कि L&T इन्फोटेक की आईपीओ के बारे में L&T के जो ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं AM नाइक, उन्होंने हमारे संवाददाता तरुण शर्मा से खास बातचीत की। L&T इन्फोटेक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप चेयरमैन मिस्टर AM नाइक और उनकी टीम। सर, काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आप ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि जो पी है वो काफी कम है, 12.5 पी के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 17-18 है, लेकिन जो आपने प्राइसिंग रखा है वो 700 के आसपास रखा है, तो प्राइसिंग कम रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? नहीं, पहले तो मैं ये आपकी बात मानता नहीं हूँ कि 17-18 मल्टीपल सब कंपनी का है। इवन जो टायर वन कंपनी है उसमें से 2 से 3 का मल्टीपल 15 है। सो ऐसा नहीं है कि सबका 17-18 है, खाली 2 कंपनी का 16 से ज़्यादा है, राइट? से 17 दो कंपनी का। सो इफ यू सी, आप अगर देखें तो इतना प्राइस कम में जा रहा है ऐसा भी नहीं है। रीजनेबल प्राइस हमें छोड़नी चाहिए मार्केट के लिए, शेयर होल्डर के लिए, जो L&T ग्रुप में आज तक इतना विश्वास करती आ रही है। L&T ग्रुप का जो एक ब्रांड है वो शेयर होल्डर ने भी बनाया होगा है, क्योंकि वो हमेशा L&T का नाम आएगा तो बोलेगा पैसा कभी जाएगा नहीं, कुछ भी तो कमाएंगे। ये सोच को देखते हुए हमने सोचा कि इसकी प्राइस थोड़ी कम रखें, उससे कोई ज़्यादा फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 90% तो हमारे हाथ में है। जो भी हम कर रहे हैं वो तो 10% के लिए कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। लेकिन आप बोलते हैं कम है तो ठीक है, अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जो हम अट्रैक्शन दे रहे हैं शेयर होल्डर को वो उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा इसको पब्लिक लेके, क्योंकि वो जो ऑटोनॉमी उनको मिलेगी, जो ऑपरेशन एक्सेलेंस मिलेगी, आपको पता है नंबर वन कंपनी ऑफ इंडिया 2006 में ही गई थी पब्लिक, वो टाइम बहुत छोटी कंपनी थी, उससे आज 10 गुना बड़ी है, राइट? तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने ग्रोथ के लिए तैयार किया हुआ है, उसमें प्राइस 700 हो 750 हो वो एक गौण चीज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 90% का तो हमें भाव मिलना ही है, लेकिन 10% में हमें जो गुडविल मिलेगी, प्राइस ऊपर जाएगी मार्केट के बाद, राइट? उससे L&T का ब्रांड और बढ़ेगा। सर, यूरोप से एक बड़ा मार्केट है L&T इन्फोटेक का, सर ब्रेक्जिट के बाद कितना असर आप उसमें देख रहे हैं, या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप आगे आने वाले समय में अवेल करेंगे? हमारा प्रेजेंस UK में बहुत कम है, सबसे कम है, सो इसलिए वो ये बाजू रहे क्या भी करे उसका असर हम पर जरा भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग कर दें हम यूरोप में, विच इंक्लूड्स UK, तो UK के ऊपर भी हम ज़्यादा ध्यान रखें, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसका तो इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन विथ इम्प्रूव्ड ऑफरिंग, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन एंड टॉप मैनेजमेंट, हमने बोला है कि 17.5 जो अभी मार्केट है हमारा परसेंटेज, वो 25 तक जा सकता है, तो ब्रेक्सिट का हमको कुछ इतना असर नहीं है। विवेक, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि L&T इन्फोटेक का आईपीओ 11 जुलाई को खुलेगा, तो मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और इस आईपीओ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए निवेशकों की? मुझे लगता है ओवरऑल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और आईपीओ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है और 49 का फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं, और अगर देखें तो अगर ये आईपीओ लॉन्च होता है तो ओवरऑल L&T का पूरा वैल्यूएशन जो है वो $1.5 बिलियन का हो जाएगा। तो मुझे लगता है L&T का अगर ओवरऑल पास देखें और जो रिकॉर्ड्स L&T ने जो रिटर्न्स फ्यूचर में पास्ट में दिए हैं कस्टमर्स को वो देखते हुए मुझे लगता है डेफिनेटली ये एक अच्छा निवेश होगा। और जो पी मल्टीपल की भी बात हो रही है कि 17-18 पी मल्टीपल के आसपास आ रहा है, जनरली आजकल जो भी IPO आते हैं ये पी मल्टीपल नहीं देखने को मिलता है, और ऑलरेडी कंपनी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए।
जी विवेक बने रही हमारे साथ। तो एनबीसीसी कल हंगरी की कंपनी से करार करेगी। कंपनी ये करार टेक्नोलॉजी इंपोर्ट के लिए करेगी। इसके तहत कंपनी हंगरी से सस्ते घर बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएगी। और कल शाम 5 बजे आपको बता दें एनबीसीसी और हंगरी के बीच डील पर साइन हो सकते हैं। विवेक, इस डील को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इस डील के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं चार्ट्स में देखूं तो एनबीसीसी में एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। हो सकता है एनबीसीसी में कोई ये अच्छी खबर आए और एनबीसीसी के स्टॉक में फर्दर हलचल देखने को मिले। 214 से लेकर 215 तक के प्रॉबेबल टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, जो रिसेंट इसका प्राइस चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है एनबीसीसी के लिए। और इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ पुणे से, कंचन जी। कंचन, आप कौन से शेयर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं? कंचन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल कंचन से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल इन्होंने एसएमएस के जरिए भी सवाल पूछा था। ल्यूपिन के 30 शेयर्स इन्होंने खरीदे 1556 रुपए पर। क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं 1568 रुपए 95 पैसे पर हुई है। हल्के प्रॉफिट में यहाँ जरूर है, तो क्या स्ट्रेटजी इनकी यहाँ पर रहनी चाहिए विवेक? मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है, और 1575 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 1650 तक का एक अप रैली देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, नीचे में एक स्टॉप लॉस रखें 1500 का, क्योंकि 1500 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मोस्टली वो टूटना नहीं चाहिए। तो 1650 के टारगेट के लिए होल्ड करें। और अमन बेंगलोर से इन्होंने भी हमें एसएमएस किया, और जय भारत मारुति के 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे 160 रुपए 20 पैसे पर। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विवेक इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है अमन ने इन शेयर्स के लिए, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है आज हम देख पा रहे हैं 154 रुपए 55 पैसे पर हुई है। खरीद भाव से काफी कम लॉस फिलहाल यहाँ पर इनको हो रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फायदेमंद रहेगी, एग्जिट करना बेहतर रहेगा? जी, मुझे नहीं लगता फिलहाल एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ भी तो ये एक ओवरऑल सेक्युलर बुलिश ट्रेंड में है, और लास्ट 3 मंथ्स का भी मैं चार्ट देखूँ तो इसने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से ऊपर का ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशंस में। मुझे लगता है अब ये एक नॉर्मल जो करेक्शन आया है आज, वो एक नॉर्मल करेक्शन है, और फिर से ये अप रैली कंटिन्यू हो सकती है। ऊपर में 165 से लेकर 170 तक के टारगेट फिर से देखे जा सकते हैं। अगर 165 के आसपास आता है तो वहाँ अपनी आधी पोजीशन बुक करके बाकी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं फर्दर टारगेट्स के लिए। जी विवेक, और बिहार से दीपक ने भी हमें एसएमएस किया है। मोरपेन लैब के 5000 शेयर्स इन्होंने खरीदे 26 रुपए 95 पैसे पर। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इनके इन्होंने इसके लिए रखी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 महीने हुए हैं इन्होंने इन शेयर्स की खरीदारी की है, तो होल्ड करने में अभी फायदा रहेगा इन्हें? जी, इसको डेफिनेटली मोरपेन लैब्स को होल्ड करना चाहिए। मोरपेन लैब्स 22 से लेकर 23 के बीच में बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था और एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, प्लस इसने एक डाउन स्लोपिंग वेज फॉर्मेशन से भी ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक काफ़ी बुलिश पैटर्न है। ओवरऑल टारगेट जो मुझे लग रहे हैं 29.50 से लेकर 30 तक का रैली इसमें आ सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करें मोरपेन लैब्स को। विवेक, फार्मा सेक्टर को इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि यूएस एफडीए फेड का संकट, क्या आपको लगता है कि फार्मा पर ज़्यादा रहेगा जो वार्निंग लेटर है? देखिए, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी देखें, डीवीज लैब देखें, ये स्टॉक्स काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी मुझे लगता है 3800 तक के भी लेवल्स देख सकता है, क्योंकि इसने डेली चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, और जिसका टारगेट 3800 तक आ रहा है, और जितने वॉल्यूम से इसमें बाइंग आई है, लगता है कि फार्मा सेक्टर ओवरऑल बुलिश रहेगा। डीवीज लैब भी काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो ओवरऑल अगर स्टॉक पर स्पेसिफिक देखूँ तो मुझे तेज़ी के संकेत ही लग रहे हैं फार्मा सेक्टर्स में। और एक और एसएमएस हमारे पास अनमोल का आया है खड़गपुर से। बजाज ऑटो के शेयर्स इन्होंने लिए 85 शेयर्स विवेक 2698 रुपए 75 पैसे पर इन्होंने खरीदे थे। शॉर्ट टर्म नज़रिया इन शेयर्स के लिए इन्होंने रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया फायदेमंद रहेगा?
जी, अगर ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। बजाज ऑटो में ओवरऑल अपने ये ऑल टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर भी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक्स में, और प्लस इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का भी ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है इसमें अप रैली जो कंटिन्यू होगी तो 3000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखूँ तो ये एक राइजिंग ट्रेंड चैनल बना रहा है और 2640 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को भी मिल सकता है और फिर से स्टॉक 2710 तक शॉर्ट टर्म में भी बाउंस बैक दिखा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जी विवेक, बने रहिए हमारे साथ, साक्षी का रुख करते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साक्षी, आज जी बिजनेस पर कौन से ऐसे शेयर थे जिनमें हलचल देखने को मिली? जी बिल्कुल, आज दिन भर पे जी बिजनेस में हमने ढेर सारे ऐसे शेयर्स बताए जहां पर जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले। प्रिसाइसली तीन ऐसे शेयर्स का मैं अपडेट लेकर आई हूं। पहला शेयर है टेक्समेको पाइप्स का, जो आपको सुबह स्टॉक्स फास्ट 50 के शो में दिया गया था। हमारा खास शो है जो कि सुबह 7:30 बजे होता है, जहां पर 50 कॉल्स आपको दी जाती हैं और इंट्राडे में ही जोरदार रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलता है। टेक्समेको पाइप्स का अगर देखा जाए तो यहां पर शेयर 10% चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। देखा जाए तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इस शेयर को चुना गया था, शेयर शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ट्रेड करता हुआ नजर आया। शुक्रवार को वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई थी और आज भी यहां पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली, 10% चढ़कर ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। अगला शेयर मेरी तरफ से इंडिया ग्लाइकॉल्स का है, ये शेयर भी आज 8% ऊंचा चलकर बंद होता हुआ नजर आया। जो खबर थी इसको पुश करने के पीछे वो ये थी कि सरकार ने अब एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो सीमा है फ्यूल में उसे बढ़ाई है, जिसकी वजह से पूरे ही शुगर स्पेस में आज एक उछाल देखने को मिला। इंडिया ग्लाइकॉल्स में भी 8% तक की तेजी देखने को मिली। आखिरी शेयर जिसके बारे में अपडेट दे रही हूँ वो है आज का सुपर शेयर, और ये आपको सुबह 9:30 बजे दिया गया था, आशियाना हाउसिंग का। ये शेयर 5% तक चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया है। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बेसिस पर ये शेयर चुना जाता है। आपको बता दें कि कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में शामिल है, क्वार्टर फोर के नतीजे शानदार रहे थे जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलता है। मुनाफा जो था 4 times बढ़ता हुआ नजर आया था ईयर ऑन ईयर, और कंपनी जल्द ही 3 नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है, जिसकी वजह से आगे जाके भी एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज के लिए देखा जाए तो 5% ये शेयर चढ़कर बंद होता हुआ नजर आया। जी साक्षी, अब मुनाफे की 5 calls आज कौन सी है दर्शकों के लिए भी बताइए। जी आज की तरफ से मेरा पहला शेयर है इंडियन होटल्स का। कंपनी ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी में हिस्सेदारी बेची है, 5.1% तक का स्टेक बेचकर $4.95 करोड़ जुटाए हैं। तेजी का रुझान इंडियन होटल्स में आज देखने को मिला और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। आशीष चंदानी का बांध आप खरीदारी करके चलें, टारगेट आपको रखना है 144 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 124 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में भी आज तेजी देखने को मिली, कहीं ना कहीं US में जो JLR सेल्स हैं वहाँ पर जोरदार तेजी रही, 44% तक का उछाल ईयर ऑन ईयर देखने को मिला, की वजह से आज एक स्पर्ट देखने को मिला और आगे भी तेजी का ही रुझान जारी रहने का अनुमान है। आशीष चंदानी मानते हैं आप खरीदारी करके चलें, टारगेट आपको रखना है 482 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 463 का। अगला शेयर मेरी तरफ से NMDC का है। यहाँ पर जून में जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो 44% तक बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ ही जून में आयरन ओर की जो बिक्री रही है वहाँ पर भी एक तेज इजाफा देखने को मिला है, 33% तक की बढ़त देखने को मिली है, 28 lakh tons कंपनी ने बेचे हैं। तेजी का रुझान जागिर रह सकता है, आशीष चंदानी का मानना है आप खरीदारी करके चलें, टारगेट आपको रखना है 103 का, स्टॉप लॉस लगाइए आप 89 का। अगला शेयर मेरी तरफ से L&T का है। कंपनी की सब्सिडियरी L&T इन्फोटेक का जुलाई 11th को IPO खुलेगा और 13 जुलाई को ये IPO बंद होगा। देखा जाए तो 705 टू 710 रुपीज़ प्रति शेयर के बीच में IPO का प्राइस बैंड तय हुआ है, और देखा जाए तो 1.75 करोड़ शेयर्स जारी करने की IPO में योजना भी है। जोरदार तेजी L&T में भी एक्सपेक्टेड है, AK प्रभाकर का मानना है ट्रेंड पॉजिटिव, आप खरीदारी करके चल सकते हैं, टारगेट आपको रखना है 1640 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 1540 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से है कैनरा बैंक का। यहाँ पर MCLR जो रेट्स हैं उसमें 0.10% तक की बढ़ोतरी की है कैनरा बैंक ने, 3 महीने के MCLR 0.05% से बढ़ाकर 9.2% की है, और वहीं 6 महीने के MCLR जो है 0.10% से बढ़ाकर 9.3% की है। तेजी रह सकती है कैनरा बैंक में, टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव है, AK प्रभाकर का मानना है आप खरीदारी करके चलें, टारगेट आपको रखना है 242 का, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 219 का। जी साक्षी, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आयशर मोटर्स जी बिजनेस ला रहा है इन्वेस्टर, इसके तहत पश्चिम बंगाल के शेख अफरोज हुसैन बता रहे हैं अपनी निवेश की कहानी। हाय, मैं हूँ रोनी अफरोज। मैंने 2004 में आयशर मोटर बाय किए थे 50 quantity 10,000 रुपीज में, जिसका आज का वैल्यूएशन करीब करीब 10 lakh रुपया है।
ऐसे मेरे पास 80 लाख का पोर्टफोलियो है और 2030 तक हम बड़े आराम से 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लेंगे। हम किसी भी बिग बुल से कम नहीं है। तो चलिए, मार्केट एक्सपर्ट विवेक गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, यहाँ पर L&T के शेयर्स लिए हैं राहुल ने, दिल्ली से उन्होंने हमें SMS भेजा है। जानना चाह रहे हैं आगे स्ट्रैटेजी क्या उनकी रहनी चाहिए। 50 शेयर्स की उन्होंने खरीदारी की थी। मुझे लगता है L&T को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से वॉल्यूम के साथ इसमें ऊपर में मूवमेंट देखने को मिला है, मुझे लगता है रैली जो है 1660 तक भी कंटिन्यू हो सकती है। नीचे में एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1500 का, डेफिनेटली होल्ड करें 1660 के टारगेट के लिए। और अगर 1660 का टारगेट आता है तो 1580 के एक रिवाइज स्टॉप लॉस साथ फर्दर टारगेट के लिए भी ये ट्रेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम अपडेट के लिए। हमारे साथ हॉट स्टॉक्स में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स कॉल और शो ब्रेक फ्री में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।